ये वो गुफा है जब हजरत सल्लम जब अहद की लड़ाई लड़े थे वहाँ पे, जब इनका एक दांत शहीद हो चुका था तो वहाँ से आके ये जो सीमेंट डाला इसी गुफा के अंदर रुके हुए थे। जब यहूदियों ने उनके ऊपर हमला किया तो इसी गुफा में रुके हुए थे, जो सफ़ेद सीमेंट से भर दिया है, इसी गुफा में हजरत सल्लम आके रुके हुए थे। इनके सहाबी लोग भी थे जो इनके साथ नमाज पढ़े थे यहाँ पर, और इसी गुफा में रुके हुए थे यहाँ पे। ये जबल अहद का गुफा है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे, तो इसी गुफा में आके रुके हुए थे यहाँ पे। इसको जबल अहद बोलते हैं, इस गुफा में रुके हुए थे आके वो। यहाँ पे वो थे और सहाबी लोग थे, सबको यहाँ पे आके उनके साथ रुका हुआ था। पब्लिक इसके अंदर घुसती, इसलिए गवर्नमेंट ने सीमेंट डाल के इसको बंद करा दिया है। इसको जबल अहद बोलते हैं। ये वही गुफा है जिसमें वो आके रुके हुए थे, जबल अहद का गुफा पहाड़ बोलते हैं इसको, जबल अहद। ये पूरा जबल अहद का पहाड़ है ये। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अहद में जो लड़ाई किए थे यहीं पे उनका दांत शहीद हुआ था, एक दांत का टूट गया था, शहीद हो गया था। इसी पहाड़ के ऊपर लड़ाई हुई थी, जबल अहद के पहाड़ के तरफ से ही यहीं पर लड़ाई हुई थी। ये उस जमाने की मस्जिद है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो जबल अहद की लड़ाई लड़ी थी यहाँ पे नमाज पढ़ाया था। ये उस जमाने की मस्जिद है। मस्जिद उस जमाने की, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद में नमाज पढ़ाया था जबल अहद की लड़ाई जीतने के बाद। ये वो गुफा है जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिपे हुए थे लड़ाई जंग बहुत की लड़ाई के समय, जब मकड़ी ने इसमें जाला ताल दिया था, मकड़ी ने जाली ताल दिया था तो दुश्मन सब वापस चले गए थे। इसको देख के बोला कि अभी मकड़ी जाला ताल, इसके अंदर कोई नहीं छिपा होगा। ये वो गुफा है।